अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो जैसे कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों की ये सौगात है गाजर का हलवा, तो हमारी तरफ भी आज वही बन रहा है। तो गाजरें हैं ये मेरे पास 6 से 7 किलो हैं के करीब है, लेकिन मैं सारे का नहीं बनाऊंगी। मैं सिर्फ इसमें से 5 kg लूँगी, 5 से 4 kg बनाऊंगी, बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। लेकिन कद्दूकश मैं एक ही दफ़ा कर देती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा 3 से 4 चीज़ें चाहिए होती हैं हलवे के लिए। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। 3 टेबल स्पून मेरे पास देसी घी है, वो मैंने डाला है। इसमें मैं 4 इलायचियाँ डालूँगी, हल्की सी उनको फ्राई करेंगे इसमें, और उसके बाद हम डाल देंगे थोड़ी थोड़ी करके गाजर। अपनी तरफ से सबसे बड़ा मैंने ये पैन लिया है, पॉट लिया है सबसे बड़े वाला, लेकिन गाजरों के सामने वो भी छोटा ही लग रहा था। एनीवे चलते हैं जी। हल्की सी फ्राई की है इलायचीज़ मैंने, और डाल अब गाजरें ऐड करेंगे इसमें, उसको हल्का सा फ्राई करेंगे ऑयल के साथ, और फिर उनको रख देंगे ताकि वो अपने ही पानी में पक जाएं और पानी रिड्यूस हो जाए। बिल्कुल ख़त्म करना है इनका पानी हमने, और उसी दौरान जो गाजरें हैं वो श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। जी, तो यहाँ सारी गाजरें जो हैं एडजस्ट कर चुके हैं पॉट में हम, और हिलाने की फुल कोशिश जारी है यहाँ पर। और इसी दौरान मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच चेंज किए हैं जिससे ठीक से ये हिल जाएं, और अब मैंने रख दिया इनको, अपने पानी में पकेंगी, श्रिंक हो जाएंगी। तो ये देखें, हो गया काम। तकरीबन ये जो टाइम लेता है 15 से 20 से 25 मिनट ले लेते हैं, पानी रिड्यूस होने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। उसके बाद हम पानी इसका खुश्क हो चुका है, अब हम दूध डालेंगे। दूध है मेरे पास 1 से 1.5 किलो है, वो थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करूँगी, और हल्की आग पे दूध के साथ गाजरों को पकने दूँगी। तो पानी भी खुश्क हो चुका था इनका, और अब दूध में भी ये पक के काफ़ी हद तक जो हलवा है रेडी हो चुका है। और अब आता है इसका लास्ट स्टेप। इसमें हमने अब क्या करना है, घी डालना है, वो आपकी मर्ज़ी कितना डालना है, कितना आपको पसंद है। घी डालूँगी मैं 3 से 4 चम्मच, दोबारा से घी डालूँगी, और अब इसको भूनूँगी मैं। यहाँ पर गाजर को हमने बहुत ही अच्छी तरह भूनना है। तो मीडियम आग पे, मीडियम टू थोड़ी सी तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ आप नहीं रखिएगा, उस पर हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। इसका जो अब दूध और पानी हर तरह का बिल्कुल ड्राई कर देंगे भून के, और चीनी बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे। घी डाल के हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली हलवे की। अब आता है लास्ट आइटम है, वो है चीनी। चीनी अप टू यू है भाई, जितनी आपको पसंद है आप उतनी डाल लें। मैंने 1 कप डाली है यहाँ इसमें, क्योंकि बहुत तेज़ नहीं खाई जाती है। चीनी के साथ हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, तो उसका भी पानी हमने खुश्क करना है जी। तो यहाँ तकरीबन रेडी हो चुका है, अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको बस दम पे रखूंगी, और उससे पहले थोड़ा सा खोया ऐड किया है, बाकी हम जब सर्व करेंगे तब डालेंगे।
तो अब हलवे को उतारने से पहले हमने इसमें अब एक टीस्पून हाफ टी स्पून हमने इसमें इलायची पाउडर डाला है और साथ ही मिक्स नट्स हैं वो आप डाल दें। एक से दो मिनट के लिए दम पे रखें और जी हलवा ज़बरदस्त किस्म का रेडी है। हलवा रेडी हो चुका है, आग बंद हो चुकी है और लास्ट में मैंने थोड़ा सा फिर से खोया ऐड कर दिया है क्योंकि ये जितना भी डालें कम है, ये बहुत मज़ा देता है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। बनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस रेसिपी को, बहुत ही मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक शेयर करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आऊंगी इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। ओके जी, चलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।